बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम अगेन। तो जनाब, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा हदूप की इंस्टॉलेशन पे। हदूप जैसा कि यूज़ होता है बिग डेटा के एनालिटिक्स के अंदर, तो इस लेक्चर को खसूसी तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। आज के ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स की क्लास है उसके हवाले से इसको यूटिलाइज करने के लिए लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेजेस के ऊपर। तो आज हम लोग देखेंगे हदूप की इंस्टॉलेशन, और इसके लिए जो वर्जन हम यूज़ करेंगे वो है Ubuntu का 20.04 लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, और इसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे हदूप का जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, हदूप 3.2.2। इसकी इंस्टॉलेशन को हम गो थ्रू करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये हमारा आज का सीक्वेंस होगा लेक्चर का, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे कुछ, उसके बाद फिर हदूप की प्रीरेक्स जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसके बाद हदूप की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी जो हदूप की इंस्टॉलेशन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनका माइक ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो मैं म्यूट ही रखूँगा, और इसमें ऐसा कर दिया जाएगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज ऑफ द सीक्वेंस हम क्वेश्चन आंसर के लिए एक छोटा सा जो है ना 2-3 मिनट का ब्रेक ले लिया करेंगे। ठीक है, तो जी आगाज करते हैं आज का। हदूप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग बिग डाटा, और ये जो इनिशियली डिज़ाइन किया गया है या जो एक्चुअल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो ये एक स्ट्रक्चर सामने रख के की गई है कि ये एक नेटवर्क के ऊपर 100 या 1000 डेडिकेटेड सर्वर का एक क्लस्टर बना के उसके ऊपर अपनी वो जो प्रोसेसिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, और ये जितनी भी मशीन्स या जितने भी नेटवर्क और ये सारे हैं ये एक मैसिव लेवल के जो डेटा सेट्स होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए ये यूज होता है। फिलहाल चूंकि हमारा जो क्लास प्रोजेक्ट की या फेमिलैरिटी हासिल करने का मकसद है हदूप के साथ, तो हम इसको एक सिंगल लोड मोड के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन में फर्क नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फर्क आता है कि जिसके अंदर आप सिंगल लोड के ऊपर या सिंगल मोड के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसकी, या वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एनवायरमेंट के अंदर एंटरप्राइज लेवल के ऊपर। तो यहां से हम आगाज करते हैं अपने आज के वर्क का। अच्छा, जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें जो हम इंस्टॉलेशन देखेंगे वो होगी लिनक्स के ऊपर। अब इशू ये है कि लिनक्स को इस लेक्चर में हम टच नहीं करेंगे, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि लिनक्स इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन 30 मिनट्स मजीद ले जाएगी, और दूसरी वजह यह है कि इसके ऊपर ऑलरेडी हम अपने किसी और कोर्स के एक लेक्चर के दौरान डिटेल में इस इंस्टॉलेशन को गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो लिंक्स नजर आ रहे हैं यूट्यूब के, दो सेम लेक्चर्स हैं, सिर्फ उनके दो डिफरेंट तरह के लिंक्स दिए हुए हैं हर एक के। तो इसमें जो सबसे पहला वाला लिंक है वर्चुअलाइजेशन के अंडर दिया हुआ, इस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ताकि आप अपने मेन विंडो के अंदर रहते हुए, विंडो कंप्यूटर के अंदर रहते हुए, उसी के अंदर एक सब प्रोग्राम के तौर पे लिनक्स को इंस्टॉल कर लें वर्चुअल एनवायरनमेंट में। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए हमने यहाँ पे ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा आप VMware Workstation नाम का सॉफ्टवेयर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले वाला जो सेशन है उसके अंदर या सेक्शन जो है उसके अंदर हमने वर्चुअलाइजेशन को देखा है, उसके बाद उसमें हमने प्रैक्टिकली वर्चुअल मशीन की Oracle का जो वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स उसको इंस्टॉल किया है,
और उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनाना सीखी है कि आप उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमने लिनक्स की इंस्टॉलेशन की है उस वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो अगर आप इस लिंक को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आपको बड़ी डिटेल में वो सारी इंस्टॉलेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और इसी वजह से हम यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है इसको स्किप कर रहे हैं, लिनक्स के इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन को। तो अगर तो आपके पास इधर बेयरबोन कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है, या आपके पास ऑलरेडी वर्चुअल मशीन के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है, तो आप इस सिस्टम को स्किप कर दें, इस वाले सॉरी सेक्शन को, या इस वाले इंट्रोडक्टरी वो जो है सारा। अदरवाइज आप इसको विजिट कर लें तो आपके 30 to 40 minutes तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके कंप्यूटर के ऊपर वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक लिनक्स रन होना शुरू हो जाएगी, और देन उसके ऊपर आप हडूप इंस्टॉल करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका जो मेन कंप्यूटर है या जो मेन इंस्टॉलेशन है जिसको आप अपने नॉर्मल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसका एक प्रीव्यू दिखा भी देता हूँ, और अगर ऐसा ना भी हो तो आप हमारे YouTube का जो चैनल है youtube.com/khwajgan जो कि ये स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर में आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ जाके भी आप इस वाले लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं ये वैसे ये लेक्चर विजिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो पहला सेक्शन था ये है बेसिकली वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन के ऊपर, और देन फिर जो सेकंड वन है वो होगा लिनक्स के इंस्टॉलेशन के ऊपर। एक्चुअली आप लोग भी कनेक्ट हुए हुए हैं मेरे साथ, तो इस वक्त चूंकि लेक्चर के हवाले से भी बैंडविड्थ काफ़ी सारी लग रही है इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो ये बेसिकली उस कोर्स का जो कि एक रस्ट बल्कि एम्बेडेड रस्ट का हमारा एक छोटा सा कोर्स था, उसके अंदर ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, क्योंकि रस्ट के हवाले से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सारे का सारा वो इसी हवाले से था, मतलब लिनक्स के ऊपर ही था। तो यहाँ पे ये हमारे ये दो लेक्चर्स जो थे वो बेसिकली प्रॉपर इसको लेके चलते हैं, जिसके शुरू में डिस्कस किया गया है वर्चुअलाइजेशन को थोड़ा सा, और उसके बाद वर्चुअल बॉक्स के इंस्टॉलेशन को, और देन आगे जाके प्रॉपर वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है उस वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर वो चीज़ें देखें बिल्कुल स्टेप्स में, एक एक चीज़ की आपने मेमोरी कितनी रखनी है, इसी तरह से सारी की सारी चीज़ें। तो ये प्रॉपर इन डिटेल डिस्कस हुआ है, ठीक हो गया। तो इसलिए इस वाले सेक्शन को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, और इसी तरह से जो सेकंड वाला लिंक है यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको उस वर्चुअल बॉक्स या उस वर्चुअल मशीन के ऊपर लिनक्स की इंस्टॉलेशन डिस्कस की गई होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे हडूप की इंस्टॉलेशन पे। तो यहाँ हम आज के लेक्चर में सबसे पहले हडूप के प्रीरेक्स को इंस्टॉल करना देखेंगे, ठीक है। तो हडूप का जो सबसे पहला प्रीरेक है वो है आपके पास JDK इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो JDK के लिए हम अब चलते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं JDK की। मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आ गया हमारे पास हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आपके पास ना आ रहा हो
तो आप ये राइट साइड पे भी अगर आपके पास ये देख रहे हैं आप टर्मिनल, लिनक्स में जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको टर्मिनल कहा जाता है। और अगर आपको यहाँ से ना मिले फेवरेट बार से, तो आप ये जो नीचे ये जो सबसे कोने में ये बटन आ रहा है नज़र आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, इस पे क्लिक करें, ये आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन दिखा देगा। अव्वल तो यहाँ पे आपको सामने टर्मिनल नज़र आना शुरू हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पे टर्मिनल ना मिल रहा हो तो आप यहाँ पे TER लिखें, तो ये देखें सर्च होके आपको टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ इसका नॉर्मल फॉन्ट साइज जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ मैंने मतलब इस डेमो के लिए इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है, ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली नजर आए चीजों को। तो यहाँ जो सबसे पहली कमांड यूज करेंगे वो है sudo apt update। ठीक है, ये जो आपकी लिनक्स की इंस्टॉलेशन है इसको, इसका जो मेन डेटाबेस है उसको अपडेट कर देगी, और उसमें जितने भी नए अब तक के पैचेस और सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आए हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो नेट से रिट्रीव करके वो आपके पास ले आएगी। जब भी लिनक्स में नॉर्मली कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो उससे पहले आप ये कमांड जरूर चला लिया करें, sudo apt update। ठीक है, तो ये हमारी कमांड चल गई और उसने सारे पैकेजेस और उनकी इंफॉर्मेशन को अपटूडेट कर दिया। इसके बाद अब हमने इंस्टॉल करना है अपनी JDK, और JDK के लिए हम यूज करेंगे ओपन JDK 8। तो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे sudo apt install open JDK। ठीक है, अब इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो हम ओपन JDK 8 को इंस्टॉल करेंगे -y के स्विच के साथ। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि ये अब इसने ओपन JDK का जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया, और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा इंस्टॉलेशन। तब तक के लिए हम अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेते हैं। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चंस का। और वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जो इसका साइज है वीडियो का और टाइम है वो कंट्रोल हो सके, और दूसरा ये कि हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब ना हो ये जो हमारा सेशन चल रहा है। जनाब, तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है JDK की। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो JDK है ये ठीक इंस्टॉल हुई है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं, अगर वो प्रॉपर रिजल्ट देंगी तो इसका मतलब है कि हमारी JDK बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हो गई है। एक है javac -variant। तो देखें, इसने हमें एक मतलब जावा का वो जो वर्जन है वो उसने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब है कि जावा इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, और दूसरी कमांड है javac -variant, और ये भी इसी तरह से बता रही है हमारे पास कि हमारे पास ओपन JDK जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। ये डिटेल्स आपको इस प्रेजेंटेशन की ये जो फाइल है इसके हवाले से भी आपको मिल जाएंगी, जिसमें ये सारी कमांड्स लिखी होंगी जैसा कि आपके सामने है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारी जो पहली प्री रेक है हडूप के हवाले से वो हमने इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम जाएंगे दूसरी प्री रेक पे जो कि ओपन एसएसएच सर्वर और क्लाइंट इन दोनों को हमने इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ। ठीक है, अगर आप अलग अलग सेशंस में इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आपको वो जो सूडो एपीटी अपडेट है ये बार बार चलाना चाहिए जब भी आपको इंस्टॉल करने लगे। अभी चूंकि अभी हमने थोड़ी ही देर पहले चंद मिनट पहले ही सूडो एपीटी अपडेट को चलाया तो इसलिए फिलहाल हम इसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे कि इसको हम दोबारा चलाएं, क्योंकि उसने ऑलरेडी चंद मिनट पहले ही अपने एपीटी का जो डेटाबेस है इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर चुका है। तो हम उस कमांड को चलाए बगैर, sudo apt अपडेट वाली कमांड को चलाए बगैर ही अगली कमांड पे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि अब हमने इंस्टॉलेशन करनी है ओपन एसएसएच के सर्वर की और क्लाइंट की, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे sudo apt इंस्टॉल ओपन एसएसएच डैश सर्वर माइनस वाई। तो जनाब ये हो गया हमारा ओपन एसएसएच सर्वर इंस्टॉल। और इसी तरह से अब हम इंस्टॉल करेंगे ओपन एसएसएच क्लाइंट यूजिंग द कमांड sudo apt इंस्टॉल ओपन एसएसएच डैश क्लाइंट माइनस वाई। ठीक है, तो बता रहा है कि क्लाइंट ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल हुआ है। तो अब हमारी ये वाली प्रीरेक जो है ओपन एसएसएच के सर्वर और क्लाइंट की ये भी इंस्टॉल हो गई है। आपके पास ये स्लाइड्स की पीडीएफ होगी तो आप इसमें से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप टाइप ना करना चाहें, या आगे जाके जो कॉन्फ़िगरेशन का डाटा है वो आपको लिखना, और उसमें लिखते हुए ज़रा सी भी अगर कोई एक करेक्टर की भी कोई गलती हो गई तो वो आपके लिए काफ़ी इशू बना सकती है, क्योंकि आपको एरर आ रहा होगा, आपका सर्वर चल नहीं रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रही होगी इशू क्या है। तो इसलिए यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल्स हैं उनको आप कॉपी और पेस्ट ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी ओपन एसएसएच की जो सेकेंड प्रीरेक है इसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक हमने हदूप के सर्वर को चलाने के लिए एक स्पेशल कोई यूज़र बनाना है। तो हम चूँकि हदूप इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हदूप के नाम ही का यूज़र बना देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कोई और भी बना सकते हैं, लेकिन जो यूज़र आप बनाएं आप फिर हर जगह वहाँ पे उसी यूज़र का नाम इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा। तो जनाब अब हम चलते हैं, हम एक यूज़र बनाएंगे हदूप के नाम से और देन उसी को आगे डिफरेंट तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़र बनाने की कमांड होती है वो ऐड यूज़र की होती है। sudo ऐड यूज़र और आगे यूज़र नेम दे देते हैं हम। ठीक है, जो कि ये वाली कमांड देख रहे हैं कि sudo ऐड यूज़र है और आगे हमने ये जो रेडिश हुआ है यहाँ पे आप जो भी यूज़र नेम देंगे वो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उस यूजर को हम
थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस या पावर देते हैं इस कमांड के थ्रू, sudo यूजर मोड माइनस ए कैपिटल जी sudo और आगे यूजर का नाम, ये जो रेडिश मैंने पोशन किया भाई यहाँ पे अपने यूजर का नाम देना, और फिर हम क्या करेंगे कि उस यूजर से लॉग इन कर लेंगे। क्योंकि हमारा ये लिरिक्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस नहीं है तो इसलिए हम इन कमांड्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे इनको सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, वैसे ये जो आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मतलब ये जो sudo है ये बेसिकली जिस तरह हम विंडोज में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कुछ पावरफुल कमांड्स को चलाते हैं, उसी तरह से लिनक्स के अंदर sudo की कमांड यूज होती है किसी पावरफुल कमांड को चलाने के लिए जो कि जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड हों। ठीक है, और ये जो su की कमांड है ये बेसिकली स्विच यूजर की कमांड है, तो ये बता रही है कि आप करंट यूजर से स्विच करके हडूप वाले यूजर से लॉग इन हो जाए। ठीक है, su हुआ स्विच यूजर। तो हम इन कमांड्स को वन बाय वन चलाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना हडूप का यूजर एड यूजर की कमांड से। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए आप सी एल ई आर क्लियर की कमांड लिखेंगे। ठीक है, सी एल ई आर क्लियर, तो इससे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रीवियस आउटपुट आई है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं sudo एड यूजर हडूप। ठीक है, तो ये हडूप यूजर का पासवर्ड मांग रहा है, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो दे दें। ठीक है, उसके बाद ये मजीद डिटेल उस यूजर की आपसे ले रहा है कि लाइक उस यूजर का फुल नेम क्या है। आप ये डिटेल देना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं देना चाहें तो आप सिंपल एंटर प्रेस कर दें और एंड में आपसे पूछेगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है ये करेक्ट है। अगर करेक्ट के लिए आप यस दबाएंगे तो वो ये यूजर क्रिएट कर देगा और ये क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस यूजर को पावरफुल कमांड्स रन करने की प्रिविलेज देनी है। तो उसके लिए हम कह रहे हैं sudo यूजर मोड की यूजर मॉडिफाई करें, और उसका जो सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप क्या चीज होती है, सारी लिनक्स की इनडेप्थ डिटेल्स हैं, इनमें हम नहीं जाएंगे। तो माइनस ए जी का मतलब है कि अपेंड करें, और जी बड़ा है यानी कि जो उसका सेकेंडरी ग्रुप है उसके अंदर आप sudo की प्रिविलेज ऐड कर दें। ठीक है, ये sudo जो है ये इस पूरी कमांड को हायर लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ एग्जीक्यूट करने की पावर दे रहा है। ठीक है, जबकि ये sudo जो है वो ये बता रहा है कि आप इस यूजर को हडूप नाम के इस sudo की पावर दे दें। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद इस यूजर को हम ये कमांड चलाएंगे sudo यूजर मोड माइनस ए कैपिटल जी sudo और हडूप। क्लियर किया, sudo यूजर मोड मॉडिफाई करो, अपेंड करो इसके सेकेंडरी ग्रुप में sudo को, और किस यूजर पे ये सारी अपेंड और ये सारे काम करो, हडूप नाम के। ठीक है, तो ये इसने मॉडिफाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये इस यूजर को, हडूप का यूजर जो भी हमने नया यूजर बनाया था, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज वाली कमांड रन करने की पावर मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच कर जाएंगे, अभी करंट हम जिस भी यूजर से लॉगिन हैं उससे स्विच कर जाएंगे हडूप नाम के यूजर में। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं जिस यूजर से लॉगिन किया हुआ ये उसका नाम आ रहा है। ठीक है, अब हम जब स्विच वाली कमांड चलाएंगे तो देखिएगा अब यहाँ पे चेंज आ जाएगी। अभी आपके सामने मैं स्क्रीन क्लियर किए बगैर ये कमांड चला रहा हूँ ताकि आपके सामने वो जो डिफरेंस है वो आपको नजर आना शुरू हो जाए। तो हम कहते हैं sudo su माइनस हडूप। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पीछे चेंज आ गई, पहले यूजर नेम कुछ और था, अब यहाँ पे ये यूजर नेम चेंज होकर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इस वक्त मैं करंटली इस यूजर से लॉगिन हो गया हूं और इस यूजर के हवाले से काम कर। अच्छा,
यहाँ पे हमने ना थोड़ा सा एक काम करना है SSH के हवाले से, जो हमने SSH सर्वर और क्लाइंट इंस्टॉल किया था पिछले स्लाइड के ऊपर, तो अब हमने उसके अंदर कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग से मुराद ये, हमने उसके लिए एक RSA लेवल की एक की जनरेट करनी है। उस की को हमने, जो उसकी पब्लिक की है, उसको थ्राइस की के अंदर शिफ्ट करना है सेकंड कमांड से। उसके कुछ राइट सेट करने हैं और उसको हमने टेस्ट करके देखना है कि वो पासवर्ड लेस एक्टिविटी काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, उसकी हम थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अभी SSH लोकल होस्ट करें तो ये देखिए मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सुडो यूजर का पासवर्ड एंटर करें तो फिर मैं आपको जाने दूंगा। मैंने पासवर्ड गलत एंटर कर दिया जी। तो ये देखें, इसने पासवर्ड लेने के बाद मुझे अलाउ किया है उस सिस्टम का एक्सेस, SSH वाला। ठीक हो गया ना, देखें लॉगिन हो गया। ठीक है, मैंने कनेक्शन बंद कर दिया एग्जिट की कमांड के साथ। अब जब मैं जो ये वाली कमांड चलाऊंगा जिससे पासवर्ड लेस सेटिंग हो जाएंगी, तो फिर आप देखिएगा कि जब मैं ये वाली कमांड SSH लोकल होस्ट करूंगा तो जिसका भी उसने मुझसे पासवर्ड मांगा था, फिर वो मुझसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, तो हम इन सेटिंग्स को अभी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, SSH कीजन माइनस टी RSA माइनस पी कैपिटल और आगे वो ब्लैंक है। SSH keygen minus t RSA minus p for password none, कि हम उसका कोई पासवर्ड नहीं सेट करना चाह रहे। और अब हमने इसको लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे हमने इस फाइल को सेव करना है, ये जो हमारी कीज की फाइल बनेगी। तो हम कहते हैं माइनस है फाइल, और फाइल हमने देनी है होम फोल्डर में डॉट SSH के फोल्डर में आईडी अंडरस्कोर RSA के नाम से। तो हम कहते हैं होम फोल्डर में डॉट SSH में, और उसके अंदर हमने जो फाइल का नाम देना है वो है आईडी अंडरस्कोर RSA। मेरा ख्याल है कि इसने कोई एरर दे दिया है जिसकी वजह से टू मैनी आर्गुमेंट्स। SSH कीजिए माइनस टी RSA माइनस पी बड़ा था, हमने शायद छोटा दे दिया है इसकी वजह से एरर आया। बिल्कुल, आपने पी छोटा दिया हुआ है यानी कि स्मॉल कैप्स में। तो आपने ये ख्याल रखना है कि इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से आपका ये काम खराब हो सकता है। तो ये देखें, यहाँ पे जो पी है ये कैपिटल में है, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं की इस कमांड में। तो ये देखें, जो ही मैंने कैपिटल पी दिया तो उसने मेरे लिए कीज जनरेट कर दी। ठीक है, और ये आपने ख्याल रखना है कि जो लिनक्स है ये कैपिटल और स्मॉल केस में फर्क रखता है। तो जहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है किसी कमांड के अंदर कोई चीज़, तो वो आपने कैपिटल में लेनी है, और जहाँ पे स्मॉल लिखी हुई है वहाँ पे स्मॉल में लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो कीस जनरेट हो गई है। अब हम इन कीस को कॉपी करेंगे।
जो भी हमने आईडी अंडरस्कोर आरएसए के नाम की कीज जनरेट की हैं, इनको हम अथराइज्ड की के अंदर कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के लिए हम क्या तरीका कार इख्तियार करेंगे, हम कहते हैं कैट, कैट मीन्स कैटलॉग करो, किसको, होम फोल्डर में .ssh के फोल्डर में id_rsa.pub को भिजवा दो, कहां पे, होम फोल्डर के अंदर ssh के अंदर authorized_key के अंदर, यानी कि इस नाम की फाइल के अंदर authorized_keys sba, यहां पे इसको मूव करवा दो या कॉपी करवा दो। ठीक है, तो ये यहां पे कॉपी हो गए authorized keys के अंदर। उसके बाद इनके ऊपर हम कोई सिक्योरिटी या एक्सेस की कुछ राइट्स भी सेट करेंगे। उसके लिए चेंज मोड की कमांड यूज होती है, chmod 0600। ठीक है, ये उसकी एक्सेस प्रिविलेजेस या सिक्योरिटी एक्सेस के कुछ वैल्यूज हैं 0600। और उसके बाद हम यही जो ऑथराइज्ड की है ये आगे हम मेंशन कर देंगे कि हम एक्चुअली इसका मोड या इसकी सिक्योरिटी सेट करना चाह रहे हैं .ssh/authorized_keys। ठीक है, तो ये कमांड भी चल गई। तो यहाँ ये तीन कमांड चलाने के बाद हमारी जो पासवर्ड लेस एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसको हमने जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको टेस्ट करेंगे ssh लोकल होस्ट की कमांड के साथ। पहले इसने हमसे पासवर्ड मांगा था, अब अगर ये जो पिछली कॉन्फ़िगरेशन है ये चूंकि हमने सही तरीके से इंप्लीमेंट कर ली है, तो देखिए अब ये पासवर्ड मांगे बगैर इसने ssh के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया। ठीक, तो ये जो आखिरी वाली कमांड थी, ठीक है, लोकल ssh लोकल होस्ट वाली, ये वेरिफिकेशन के लिए थी कि हमारी वो जो अबव वाली तीन कमांड्स हैं वो ठीक चल गई हैं और उनसे ठीक कॉन्फ़िगरेशन हमारी पासवर्ड लेस ssh की सेटिंग जो है वो ठीक इंप्लीमेंट हो गई है। ठीक है, हमने देखा कि हमने जब ssh लोकल होस्ट दोबारा किया ये सारी ऊपर वाली तीन कमांड चलाने के बाद, तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से एक्सेस हो गई। ठीक है जी, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या करना है। तो जनाब यहाँ अब हम उस फेज में पहुंच गए हैं कि जहाँ पे अब हम हदूप को डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से और देन फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर कॉन्फ़िगर भी करेंगे। तो जनाब hadoop.apache.org से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वेब ब्राउजर की तरफ। और hadoop.apache.org को एक्सेस करते हैं। यहां से हम डाउनलोड पे जाएंगे। ठीक है, और डाउनलोड में हमारे पास ये डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं जिसमें से जो आज हम इंस्टॉलेशन जिसकी देखेंगे वो 9 जनवरी 2021 को रिलीज हुआ है। लेटेस्ट वर्जन जो है इसका 3.2.2 है, इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। तो यहाँ से हम इसके बाइनरी के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका जो बाइनरी वर्जन है इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसे हमने क्लिक किया। ठीक है, और ये इसका लिंक आ गया। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस लिंक पर सिंपल क्लिक करें जिसमें मैं आपके सामने कर रहा हूँ और ये मुझे सेव का ऑप्शन देगा और यहाँ मैं इस फाइल को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, एक और ऑप्शन है, अगर आप कमांड लाइन पे ही रहना चाहें तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस लिंक को कॉपी लिंक लोकेशन,
ठीक है, तो अब आपका ये जो लिंक है यहाँ पे कॉपी हो गया आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर। अब आप अपने वापस जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे आप कमांड दें डब्ल्यू गेट और पेस्ट। तो देखें वही वाला लिंक जो हमने वहां से कॉपी किया था, ये यहाँ पे आ गया डब्ल्यू गेट की कमांड। डब्ल्यू गेट की कमांड कमांड लाइन से किसी नेट से कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये आपके सामने देखिए, ये डब्ल्यू गेट और आगे हमने यू आर एल दे के जब एंटर किया तो हमारे अब इस कंप्यूटर ने इस फाइल को एक्सेस करना शुरू कर दिया, डाउनलोड करना शुरू कर दिया, हदूप 3.2.2.tar, ये आपके सामने डाउनलोड हो रही है, ठीक है। और चूंकि इस ने अभी फिर टाइम लेना है तो हम यूँ करते हैं कि रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आपको 10 मिनट की देते हैं ब्रेक, और 10 मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम जो है दोबारा से जब ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी डाउनलोड होके तो फिर हम इससे आगे चलेंगे। उसकी वजह ये कि इस वक्त चूँकि काफ़ी सारे यूज़र भी इस वक्त लाइव इस सेशन में शामिल हैं, इसकी वजह से हमारी बैंडविड्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है और उसी की वजह से स्पीड भी इस वक्त काफ़ी कम हुई हुई है, ठीक है। तो उस वजह से फिर हम ये करेंगे कि आपके भी क्वेश्चंस लेते हैं, अगर तो जो टाइम है वो क्वेश्चंस में सारे का सारा लग जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं लगता तो फिर हम ये करेंगे कि हम इस सेशन को यहाँ पे ब्रेक करेंगे और पूरे 15 मिनट के बाद हम इस सेशन को दोबारा फिर अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ माइक ऑन करने की, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी वेलकम बैक। तो जनाब हमारा ये डाउनलोड हो गया हदूप, यहाँ पे हम क्लियर करके ls करते हैं, ls की कमांड लिस्ट शो करती है करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स हैं, तो ये मैं बता रही है कि अभी हमारे पास इस डायरेक्टरी के अंदर hadoop dash 3.2.2.tar.gz नाम की फाइल है जो कि डाउनलोड हो चुकी है, सही है। तो अब हमने इसको ये जो फाइल है ये इंस्टॉलर फॉर्म में या zip फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे थे, हमने ये डब्ल्यू गेट की कमांड के साथ इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको जिस तरह हम अनजिप करते हैं या रार फाइल होती है उसको हम अनरार करते हैं विंडोज के अंदर, इसी तरह यहाँ पे ये जो टार डॉट जी जेड नाम की फाइल हमने डाउनलोड की है इसको हम इस टार एक्स जेड एफ और इसका आगे नाम दे देंगे फाइल का, तो इससे ये अब यहाँ पे काइंड ऑफ है अनटार हो जाएगी, यानी कि अनजिप हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको अनजिप करने लगे हैं, इसके लिए हम कमांड देंगे टार एक्स जेड एफ और आगे इस फाइल का नाम, तो ये उसको अनटार कर रहे हैं। ये जो है बाइनरी फाइल है तकरीबन 400 MB की है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये अनटार होगी। अब जब हम यहाँ पे ls की कमांड चलाते हैं तो यहाँ देखें एक तो वही पुरानी टार वाली फाइल पड़ी हुई है और एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है हदूप के नाम की, ये वाली, ठीक है। तो ये नई डायरेक्टरी क्रिएट होगी यहाँ पे, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया उसने इस टार डॉट जी जेड फाइल के कंटेंट्स को, तो यहां तक हमारी इस स्लाइड का जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया, हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब चूंकि हम लिनक्स में हैं तो लिनक्स में आप समझ लें कि हमने अनटार किया
तो अब ऐसा कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं रही, जो इंस्टॉल्ड वेरिएंट ऑफ द प्रोग्राम था वो हमारे डायरेक्टरी के अंदर आ गया है। ठीक है, अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है सिंपल। तो हमारी इंस्टॉलेशन आप समझ लें कि हाफ वे डन हो गई है, हाफ काम रह गया। और जैसा कि हम पहले भी शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हडूप जो है मेनली तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे क्लस्टर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड ऑफ नेटवर्क सर्वर्स होते हैं, और जब कोई बिग डाटा आता है तो उसको प्रोसेसिंग के लिए उस बड़े टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन सिस्टम्स या सर्वर्स के ऊपर, और देन वो इंडिविजुअली अपना अपना वर्क कैलकुलेट करते हैं, और देन वो जो रिजल्ट्स हैं वो एक मेन नोड को भिजवाते हैं, और मेन नोड उन रिजल्ट्स को कंपाइल करके फिर आपको शो करवाती है। तो यहाँ जो कि हम डेमो मोड में हैं, तो हम जो इसका सिंगल इंस्टॉलेशन वाला सिंगल सर्वर वाला मोड इस्तेमाल करेंगे, जिसको हडूप की लैंग्वेज में कहा जाता है सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं हडूप को सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं आगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ये जो मंदरजा वाला 6 फाइल्स हैं इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बैश आरसी में, फिर हडूप ईएनवी में, फिर कोर साइट में, फिर एचडीएफएस साइट में, फिर मैप रिड्यूस साइट में, और एंड में यार्न साइट। ठीक है, ये जो फाइल्स हैं इनके अंदर हम डिफरेंट तरह की चेंजेस लेकर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, और एंड में हमारा जो हडूप है वो रन करना शुरू कर देगा। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के आगाज करते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंज का। जो सबसे पहली चेंज है वो हम लाएंगे बैश आरसी में। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले तो अपनी हडूप की प्राइमरी डायरेक्टरी में चले जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से ऑनवर्ड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आपके पास ये फाइल अवेलेबल होगी, तो यहाँ से आप इसको करें कॉपी और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको कर दें पेस्ट। ठीक है, तो हमने ये किया कि चेंज डायरेक्टरी की, और हमने कहा कि चेंज डायरेक्टरी कर लो और जो वर्किंग डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी है वो चेंज कर लो, और उसको कहाँ पे ले जाओ, होम में हदूप में, हदूप डैश 3.2.2 नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो ये देखिए, हम होम के अंदर ये जो टिल्ड साइन है ये लिनक्स में होम फोल्डर को शो करता है, आपका जो यूजर है उसका होम फोल्डर, और उसके अंदर ये हदूप डैश 3.2.2 जहाँ पे अभी हमने ये रिसेंटली एक्सट्रैक्ट किए थे अपने कंटेंट ऑफ दैट टार फाइल, वहां पे आ गए। तो यहां से अगली कमांड है सूडो वी आई और होम फोल्डर के अंदर डॉट बैश आर सी नाम की जो फाइल है इसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया इस कमांड को, और ये हमसे हदूप यूजर का पासवर्ड मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस फाइल में आ गए। यहाँ हमने क्या करना है कि इस फाइल के सबसे एंड में चले जाना। ठीक है, ये हम इस फाइल के एंड में आ गए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया हुआ है कि एंड ऑफ द फाइल पे जाके आपने आई प्रेस करना है और ये लाइंस उसमें ऐड कर देनी। तो आपने क्या करना है कि इसके आखिर में आना है, देखिए यहाँ फाइव है, तो आपने अगर शुरू में रख के करेंगे तो ये फाइव भी एडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके बिल्कुल एंड में आके आखिरी कैरेक्टर पे आके आई दबाते हैं, ठीक है। अभी देखिए एडिटिंग स्टार्ट हो गई है। जी, तो यहां लाके अब हम उस फाइल में से ऐड कर देंगे कंटेंट्स को। अच्छा, यहां आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो डॉट्स आ रहे हैं ना, ये इस कोड का पार्ट नहीं है। आपने इन डॉट्स को खत्म करना है।
ये हम आगे एंड में, यहां हमने आई दबाया एंड में आके, और उसके बाद हम यहां पे इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। ये मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, कभी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गड़बड़ हो जाती है? ओके फाइन, यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई इशू आया है, लेट मी रिजॉल्व दिस। sudo vi dot bash rc, और यहाँ पे हम इस फाइल के एंड में आ गए। अब एक्चुअली जो इशू आ रहा है वो ये है कि चूंकि हम पीडीएफ से कॉपी कर रहे हैं तो उसमें वो जो स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं, और ये चूंकि टेक्स्ट फाइल है और ये स्पेशल कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से जब मैं स्पेशल करेक्टर को पेस्ट करता हूँ तो वो मुझे फिर इशू आ जाता है, फाइल सही तरह से एडिट नहीं हो पाती। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो कॉपी कर रहा हूँ ये अब टेक्स्ट वाले वर्जन में से लेके आ रहा हूँ। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप भी अपने पास लाइक विंडो या जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप इस को कॉपी करने के बाद एक बार नोटपैड में ले जाएं, ठीक है, और नोटपैड में जो सिंपल आपका विंडोज का नोटपैड होता है उसमें ले जाने के बाद वहां एक बार पेस्ट करें, टेक्स्ट को ठीक करें, जो भी आपने उसमें चेंजेस लानी है, जिस तरह इसके अंदर वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ रहे थे उसको खत्म करें, और उसको खत्म करके उसके बाद इसको लाकर यहाँ पे पेस्ट करें। तो ये देखें बिल्कुल सही पेस्ट हो गया, ठीक है, टेक्स्चुअल फॉर्म में। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि आप जो कॉपी पेस्ट करें उसमें वो, अगर आप पीडीएफ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो उसमें चूंकि स्पेशल करेक्टर आ रहा होते हैं वो डॉट्स वाले, और उसकी वजह से ये टेक्स्ट फाइल जो है ये थोड़ी सी गड़बड़ करती है। और ये करने के बाद आपने इसके एक बार एस्केप दबाना है, कॉलन दबाना है, डब्ल्यू क्यू दबाना है और एंटर कर देना है, ठीक है। यहां हम चल के अपनी पीडीएफ फाइल में देखते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रेस एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू, तो ये आप दबाएंगे तो एस्केप दबाने से आप एडिटिंग मोड से हटके कमांड मोड में चले जाते हैं। वहां पे कॉलन किसी कमांड के आगाज को शो करता है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट एंड क्यू स्टैंड फॉर क्विट, यानी कमांड एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू ये बता रही है कि स्केप से मुराद ये कि एडिटिंग मोड से हट के कमांड मोड में चल जाओ, कॉलन कमांड का आगाज, फिर डब्ल्यू फॉर राइट के राइट करो जो हमने चेंजेस किए हैं, और क्यू फॉर क्विट को क्विट कर दो राइट करने के बाद। इसके बाद हमने कमांड इशू करनी है सोर्स और आगे टिल्ड साइन स्लैश डॉट बैश आर से। तो अब हम ये वाली कमांड इशू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर लूं, टिल्ड साइन स्लैश डॉट बैश आर सी, और ये 128 और 30 नंबर लाइन में बता रहा है कि कोई इशू है।
जी, तो ये इशू हमने देखा कि इवन कॉपी करते हुए भी एक स्पेशल करेक्टर आ ही गया। ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है। इसको हम यहाँ पे डेल करते हैं। और फिर दोबारा से सोर्स की कमांड इशू करते हैं। देखिए अभी कमांड ठीक चल गई है। ये वो जो इशू आ रहा था, ये वही वाला था कि वहां पे वो जो स्पेशल करेक्टर वाला डबल कोट्स चले हुए थे। और ये आपने ख्याल रखना है कि जो लिनक्स है इसके अंदर जितने भी ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं, ये टेक्सचुअल फाइल्स हैं और ये प्रैक्टिकल इशू आपको आ सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतरीन है वो यही है कि आपके पास जो सोर्स फाइल है जहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो नोटपैड टाइप की फाइल हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ। यहाँ से जब आप कॉपी करेंगे तो कई बार ये होता है कि उसमें स्पेशल करेक्टर की इनकोडिंग चली जाती है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे आके आपको इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं भी ये जो लेटर ऑन ये जो आपकी सोर्स फाइल है पीडीएफ वाली, इसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल टेक्सचुअल मोड में हो। उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप फिर भी उस पीडीएफ से टेक्स्ट को पहले नोटपैड में कॉपी पेस्ट करें और फिर नोटपैड से उठाकर यहाँ लेके आए, अदरवाइज आपको इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एरर जल्दी आइडेंटिफाई भी कर लिया और इसको रिजॉल्व भी कर लिया। और ये कुछ भी एरर नहीं था, सिर्फ जो स्पेशल करेक्टर थे वो इशू कर रहे थे। अगेन हमारी ये पहला वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला। हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल के ऊपर, सेकंड फाइल के ऊपर, जो कि है hadoop-env.sh। तो इसके लिए फिर से हम कमांड चलाएंगे ये cd वाली। यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और ये हम चले गए हदूप की मेन डायरेक्टरी में। यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक करना है कि जावा सी किस कमांड के थ्रू चल रही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कमांड चलाई विद जावा सी। तो इसने मुझे बताया कि ये जो यूजर स्लैश बिन स्लैश जावा सी जो है, ये बेसिकली ये जो जावा सी है ये बेसिकली एक्चुअली फाइल यहाँ से चल रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो इसकी आउटपुट आई है ना इसको गौर से देखना है और उस आउटपुट पे कमांड चलानी है रीड लिंक माइनस एफ की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड लिंक माइनस एफ की लिंक रीड करो, मुझे ये बताओ कि ये जो लिंक है ये वाला स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश जावा सी स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश जावा सी, इसको रीड करके मुझे इसकी डिटेल बताओ कि ये किस कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ये देखें, ये रीड लिंक की कमांड में मुझे एक और पाथ शो किया स्लैश यूजर स्लैश लिब स्लैश जेवीएम स्लैश java8openjdk ये वाला। तो मैंने ये जो यहां तक ये बिन से पहले वाला जो आउटपुट है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कहीं पे यूज करना है, तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कहां तक, ये AMD64 तक मैंने इसको कॉपी कर लिया इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे
ईटीसी हदूप हदूप डैश ईएनवी डॉट एसएच की फाइल को एडिट करूंगा। मैं कमांड चलाऊंगा सुडो वीआई ईटीसी स्लैश हदूप स्लैश हदूप डैश ईएनवी डॉट एसएच। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। आई थिंक ये आपके लिए काफी विजिबल होगा, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि फिर आगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में इशू आना शुरू होते हैं। तो जनाब हमने ना ये वाली फाइल खोल ली, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च करना है ऐसी लाइन को जिसके शुरू में आ रहा हो पाउंड साइन एक्सपोर्ट जावा होम, और ये देखें ये वो लाइन है, देख रहे हैं आप ये लाइन। तो इस लाइन को हमने एडिट करना था, तो हम यहां पे वही आई दबाएंगे, उसके बाद इस लाइन में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे ही रहने दें और इसके नीचे लिख दें एक्सपोर्ट जावा होम इज इक्वल टू, और यहां पे वो वाला पाथ हमने देना है, सॉरी ये फिर वही मैंने गलती कर दी कि उसको मैंने नोट पैड के थ्रू कॉपी नहीं किया बल्कि डायरेक्ट कॉपी कर लिया। जी ठीक है, तो ये देखिए हमने एक्सपोर्ट जावा अंडरस्कोर होम इज इक्वल टू और आगे जो पाथ है ये दे दिया। उसके बाद एस्केप दबा के डब्ल्यू क्यूब स्मॉल में कमांड दी और यहाँ पर ये फाइल भी हमारी एडिट हो गई। ये देखिए हमने क्या किया कि इसको सुडो वीआई किया, हम उस लाइन पे गए जिसका स्टार्ट हो रहा था स्टार या पाउंड साइन एक्सपोर्ट जावा होम इज इक्वल टू, वहां पे हमने आई प्रेस किया और इस लाइन को रिप्लेस कर दिया इस टेक्स्ट के साथ एक्सपोर्ट जावा अंडरस्कोर होम इज इक्वल टू स्लैश यूजर लेब जे वी एम, यानी जो भी पाथ हो जो हमारी पिछली कमांड की आउटपुट आई थी इस वाली कमांड की, ठीक है। यहां से मैं इसको रिप्लेस कर दिया, उसके बाद एस्केप दबाया कॉलम डब्ल्यू क्यू, और इस तरह से हमारी सेकेंड एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई। ओके अब हम जाते हैं अगली फाइल के ऊपर जो कि है कोर साइट डॉट एक्सएमएल। तो हम इसी तरह से यह हदूप के मेन वाले फोल्डर में जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे TMP डाटा के नाम से, तो mkdir डायरेक्टरी बनाने की कमांड है और आगे हमने डायरेक्टरी बनानी है TMP डाटा के नाम से, तो हम यहाँ पे करेंगे mkdir TMP डाटा, ठीक है। तो एक नई डायरेक्टरी बन जाएगी। उसके बाद हम etc में हदूप में कोर साइट डॉट xml को एडिट करेंगे, कोर डैश साइट,
सॉरी sudo vi etc slash hadoop slash coursei.xml vi देना भूल गया था मैं। यहां पे हमने यहां इस कॉन्फ़िगरेशन और स्लैश कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान में हमने ये वाला डाटा डाला कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी हडूप डॉट टीएमपी ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे कि इस डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको पहले नोटपैड में लेके जाएंगे और वहां से फिर उसको यहाँ लाके पेस्ट करेंगे ताकि किसी भी तरह के कोई स्पेशल करेक्टर वाले इशू से आप बच सकें। तो ये भी आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इस डाटा को ले गया हूँ नोटपैड में और नोटपैड से फिर मैं इसको लाकर पेस्ट कर रहा हूँ हमारा ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और स्टिल इसके अंदर स्पेशल करेक्टर आ गए हैं। ओके फाइन, फिर से हम ऐसा जब भी आपके पास कोई गलती हो जाती है इस तरह की स्पेशल करेक्टर वाली, तो आपने कॉलन क्यू और साइन अप एक्सक्लेमेशन डालना है देना है, तो ये बगैर चेंज किए ये यहाँ से मतलब क्विट कर जाएगा। अब इशू जो है वो ये हो रहा है, इससे पहले मैंने सारी टेस्टिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट की थी, अभी एक्चुअली चूंकि ये सारी स्क्रीन विद रिकॉर्डिंग चल रही है तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी कोई इंटरफेरेंस आ रही है, अदरवाइज मैं ये पहले टेस्ट में इंस्टॉलेशन सारी की सारी विदाउट रिकॉर्डिंग जो कंप्लीट की थी, तो उस तरह के ये इशू नहीं आए थे कॉपी पेस्ट में, लेकिन अब ये क्यों आने शुरू हो गए इनको देखते हैं। मैं ये दोबारा से इस वाले डाटा को कॉपी करके ला रहा हूँ नए सिरे से और ये दोबारा से हमने इसको एडिट किया। यहाँ हमने आकर इन दो लाइनों के दरमियान में एक नई लाइन डाली और उसके बाद यहाँ पे इसको किया पेस्ट और डब्ल्यू क्यू। तो जनाब ये भी सही तरीके से एडिट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगली कमांड में और वो है htfs-site.xml। इसके लिए भी हमें पहले अपनी उसी होम डायरेक्टरी में दोबारा से जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें दो डायरेक्टरीज बनानी है, एक है dfs-data/namenode mkdir-p कि जितना हम आगे पाथ दे रहे हैं वो सारे का सारा बना दें, dfs-data/namenode, ठीक है, और इसी तरह से mkdir-p dfs-data/datanode, ठीक है। तो इसने दो डायरेक्टरीज मजीद बना दी हैं, एक है डीएफएस डेटा नेम नोड और एक है डीएफएस डेटा और उसके अंदर एक दूसरी डायरेक्टरी है डेटा नोड के नाम की, जैसा कि आपके सामने ये शो हो रहा है, डीएफएस डेटा स्लैश नेम नोड और डीएफएस डेटा और उसके अंदर डेटा नोड की डायरेक्टरीज। अब हमने करना है वी आई एडिट करना है ईटीसी में हदूप में htfs-site.xml को, तो जनाब हम इसको एडिट करते हैं sudo vi /hadoop/hdfs-site.xml को और
फिर से इंतहाई 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 एहतियात के साथ हम कॉपी पेस्ट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं और उसको एक बार बल्कि रीचेक भी करेंगे। जनाब होपफुली कोई ऐसा वैसा स्पेशल करेक्टर नहीं रह गया तो हम इसको लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डीएफएस की रेडर डायरेक्टरी है उसका पाथ ये है और जो इसकी डेटा नोड है उसका पाथ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो होपफुली कि ये ठीक कॉपी हो गया, इसमें कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आया। हमने इस फाइल को भी कॉलम डब्ल्यू क्यू से सेव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो एच टी एफ एस साइट डॉट एक्सएमएल की ये भी कंप्लीट हो गई। यहाँ से आगे चलते हैं, अगली है मैप रिड्यूस डैश साइट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, और हम वही काम करते हैं क्लियर, उसके बाद चेंज डायरेक्टरी करके अपने उस होम फोल्डर में जाते हैं और वहां पे अब हमने करना है sudo vi /hadoop/mapreduce और mapreduce और आगे क्या नाम था इसका डैश साइट डॉट एक्सएमएल सेम वे कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन के दरमियान में आके आई दबाएंगे, इंसर्ट मोड में ले आएंगे इसको और उसके बाद बहुत 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 एहतियात को भलू से खाते रखते हुए हम यहाँ से उस डाटा को कॉपी करेंगे, इसको नोटपैड में लेके जाएंगे जो कि आपको यकीनन स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा होगा और इसको बहुत गौर से चेक करने के बाद किसी भी स्पेशल करेक्टर के हवाले से कॉपी करेंगे और अब लाके आपके सामने यहाँ पे हम करने लगे हैं पेस्ट। तो ये विदाउट एनी स्पेशल करेक्टर डाटा कॉपी हो गया। तो हम यहाँ पे अब एस्केप दबाएंगे, कॉलन दबाएंगे, डब्ल्यू क्यू दबाएंगे और एंटर दबा देंगे तो हमारा ये जो मैप रिड्यूस डैश साइट डॉट एक्सएमएल है ये भी एडिट हो जाएगी। आगे चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है yarn-site.xml। ठीक है जी, तो चलते हैं क्लियर, उसके बाद डायरेक्टरी में आए sudo vi etc/hadoop और उसके बाद yarn-site.xml। यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन में आए, आई दबाया। अब मैं जा रहा हूँ इस डेटा को कॉपी करने और सेम वे उसी तरह से आपने इसको बड़े ख्याल से कॉपी करना है, उसके बाद इसको नोटपैड में लेके जाना है। नोटपैड में ले जाने के बाद इसकी एक एक लाइन को आपने मैन्युअली रिव्यू करना है कि किसी तरह का कोई स्पेशल करेक्टर तो बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोई स्पेशल करेक्टर आ गया तो समझ लें कि काम खराब हो गया। तो ये जनाब हमने काफी हद तक स्पेशल करेक्टर्स को रिव्यू कर लिया और अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ नोटपैड से और आपके सामने लाकर यहाँ पर पेस्ट करूँ।
सॉरी, वो जो नोटपैड वाला एक्टिविटी है वो आपके सामने विजिबल नहीं है क्योंकि इस वक्त स्क्रीन मैंने यहाँ पे लॉक की हुई है इस लिनक्स वाले सेटअप पे, तो ये आपके सामने मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया। कर मैं ये रहा हूँ कि मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ डेटा को, मैं नोटपैड में खोलता हूँ, नोटपैड में इसको पेस्ट करता हूँ, एक एक लाइन को मैनुअली चेक करता हूँ, मैनुअली चेक करने के बाद नोटपैड के अंदर रहते हुए दोबारा से उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, तो ये हो गई कॉपी, और फिर दोबारा से एस्केप दबाया, कॉलन डब्ल्यू क्यू, और इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, सिंपल कॉपी पेस्ट ऑपरेशन हो, इन छह फाइल्स में हमने चेंजेस लानी है, बस सिर्फ एक ख्याल रखना है कि कॉपी करते हुए हमारा कोई स्पेशल कैरेक्टर वाला इशू ना आने पाए, अदरवाइज हमारे लिए इशू क्रिएट हो जाए। तो जनाब चलते हैं इससे आगे क्या चेंजेस हैं, और जनाब यहाँ पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन की चेंजेस हैं वो खत्म हो गई हैं, हमने यहाँ पे कुछ कमांड्स रन करनी है। ठीक है, वो कमांड क्या करेंगे, वो सबसे पहले तो नेम नोड को फॉर्मेट करना है हमने HDFS के हवाले से, जो इसका जो HDFS है फाइल सिस्टम है उसको। तो जनाब हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्लियर करते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी में आते हैं, और उसके बाद हमने कमांड इशू करनी है HDFS नेम नोड डैश फॉर्मेट, HDFS नेम नोड डैश फॉर्मेट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें क्रिएट कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, और इस कमांड को सक्सेसफुली रन होने का जो इंडिकेशन है वो ये है कि ये शट डाउन कर देता है नेम नोड को। ठीक है, इट शोज कि ये कमांड सक्सेसफुली इसने रन कर लिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने हदूप का क्लस्टर स्टार्ट करना है, उसके लिए हम कमांड इशू करेंगे smin slash star dash dfs.sh। तो हम यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद हम कमांड इशू करते हैं smin slash star dash dfs.sh। ठीक है, तो ये देखें ये नेम नोड को अब लोकल होस्ट सर्वर के ऊपर स्टार्ट कर रहा है, और नेम नोड स्टार्ट करने के बाद उसने डेटा नोड स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और जब डेटा नोड भी सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएंगी तो ये हमें कमांड प्रॉम्प्ट वापस मिल जाएगा। जनाब ये देखें हमारी ये नेम नोड स्टार्ट हो गए और डेटा नोड भी, और उसके बाद हमने यार्न रिसोर्स एंड नोड मैनेजर को स्टार्ट करना है, उसके लिए कमांड होगी वही smin slash start dash yarn.sh। तो हम करते हैं smin slash yarn start yarn sorry .sh। तो ये देखें स्टार्ट कर रहा है रिसोर्स मैनेजर, उसके बाद नोड मैनेजर, और देन ये कंप्लीट करने के बाद अपने ऑपरेशन हमें कंट्रोल रिटर्न कर देगा। जनाब और अब हमने देखना है कि ये हमारे सारे सिस्टम सही सक्सेसफुली रन हो गए या नहीं हो गए, इसको चेक करने के लिए कमांड जो है वो GPS है। तो हम यहाँ पे GPS नाम की कमांड चलाते हैं, तो ये देखें इसने हमें बता दिया कि ये सारे के सारे जो है रिसोर्स मैनेजर, डाटा नोड, नोड मैनेजर, GPS, नेम नोड और सेकेंडरी नेम नोड, ये इन इन प्रोसेस IDs के अगेंस्ट रन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पहुँच के हमारा ये जो हदूप का सेटअप है ये बिल्कुल सही एक्टिव हो गया है, रनिंग इसने स्टार्ट कर दी है, वर्किंग इसने स्टार्ट कर दी है, और अब हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाला एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, अब रह गया है वेरिफिकेशन वाला एस्पेक्ट।
वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? हमारे प्रोसेसर चल रहे हैं, एक तुमने जीपीएस की जब कमांड चलाई जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है, उसने मैं बता दिया यहाँ पे ये सारे के सारे जो उसके कंपोनेंट हैं, जो उसके सारे डेमन्स हैं, जो उसके सारे प्रोसेसर हैं, ये अभी सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। लेकिन इनको हम जरा थोड़ा सा विजुअली भी दिखना चाहेंगे कि रन हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, और इस तरह से कलकला को हमने इन पर काम करना हो तो हम इनको मतलब मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आकर वन बाय वन ये जितने भी प्रोसेसर्स हैं इनका जीयूआई खोलते हैं। तो जो नेम नोड इंटरफेस है उसका जो जीयूआई है वो आप एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर खोलने के बाद लोकल होस्ट पे 9870 नाम की पोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर लिखें लोकल होस्ट कॉलन 9870 तो हमारे पास नेम नोड का इंटरफेस खुल जाएगा। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट कॉलन 9870 और एंटर दबाते हैं। तो ये देखें, इसने हदूप की नेम नोड की इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले कर दी है। ठीक है, 24 मार्च सुबह 12:30 और ये इसकी मजीद डिटेल शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि जो हमारी नेम नोड है ये सक्सेसफुली इस वक्त रन हो रही है, और फिर मजीद इसकी जो आगे चीज है ग्राफिकली आप इसको यहाँ पे ट्रिक कर सकते हैं। अगली वेरिफिकेशन हम करेंगे इंडिविजुअल डेटा नोड्स की, और वो रन हो रही है 9864 पोर्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक नई टैब खोल के लोकल होस्ट कॉलन 9864, ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे हमारी डेटा नोड रन हो रही है कि नहीं हो रही। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे इसने डेटा नोड की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले कर दी है, ठीक हो गया। तो हमारी सेकंड वेरिफिकेशन हो गई, और हम थर्ड वेरिफिकेशन करते हैं कि यार्न हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा 8088 के ऊपर। तो जनाब हम यहाँ पे जाकर लोकल होस्ट कॉलन 8088 को जब विजिट करते हैं, तो ये देखें हमारे सामने हदूप का ये जो मैनेजर है, क्लस्टर मैनेजर है यार्न के नाम से, वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। और ये फिर आगे इसकी सारी वो जो मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन और इसके ऊपर जॉब्स शेड्यूल करनी और रन करने, उनके रिजल्ट देखने, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने नेम नोड्स इंटरफेस आ गया, डेटा नोड इंटरफेस आ गया, और ये यार्न रिसोर्स मैनेजर आ गया हदूप का। तो जनाब यहाँ पे जाके हमारी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन हदूप की कंप्लीट हुई। यहाँ तक अगर आप के जहन में अब तक अगर कोई क्वेश्चन अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो आप कर लें, लेकिन वो एक्टिव करने से पहले वो जो क्वेश्चन आंसर वाला मोड है हमारा, मैं जो ऑनलाइन जो लेटर ऑन पर्सन इसको बाद में एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में देखेंगे, उनके लिए ये है कि आपने जो उसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, बाकी सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट ही है और कोई इसमें गुंजलक किस्म का मसला नहीं है, आप सिर्फ इन कमांड्स को फॉलो करें तो ये बड़े आराम से आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। सिर्फ जो आपने ख्याल रखना है, कॉपी पेस्ट करते हुए आपने उसको एक बार रिव्यू कर लेना है, और रिव्यू करने का और उसमें हैजल से बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप पहले टेक्स्ट को कॉपी करके उसके बाद नोटपैड में ले जाके वहाँ पेस्ट कर लें, वहाँ उसको अच्छी तरह से एक लाइन को रिव्यू कर लें, और उसके बाद आप फिर उसको वहाँ से दोबारा से कॉपी करें और अब ला कर यहाँ पे इसके अंदर लिनक्स के अंदर पेस्ट करें, तो फिर आपके लिए आसानी होगी, कोई इशू नहीं होगा। अदरवाइज ये जो पीडीएफ फाइल्स हैं या वर्ड की फाइल है, ये लोग अक्सर ऑटो करेक्ट वगैरह की वजह से यहाँ पे वो आपके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूनिकोड कैरेक्टर्स के साथ,
और वो जो यूनिकोड कैरेक्टर है उनको जब आप ला के आप पेस्ट करते हैं वीआई वगैरह में एडिटर के अंदर, इनके जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं उनके अंदर, तो वो चूंकि उसके अंदर यूनिकोड की उस तरह की सपोर्ट नहीं होती, और वैसे भी इसने यूनिकोड के ऊपर तो नहीं, इसको इसकी कैरेक्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, तो वहाँ पे फिर आपको वो जो डिफरेंट तरह के इशू फेस करने पड़ सकते हैं। कभी आपको इशू फेस करना पड़ जाता है, कोई गलती हो गई है, तो आप क्या करें, विदाउट सेविंग क्विट करने के लिए वीआई में से आप एस्केप दबाएं, कॉलन दबाएं, क्यू स्मॉल वाला स्मॉल क्यू और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये दबा के आप उस फाइल से जब क्विट करते हैं तो उसके अंदर जो भी आपसे चेंजेस हुई होती है, चाहे वो गलत हुई है, गलती से हुई है, हमको गड़बड़ हो गई है, तो वो सारी अनसेव रहती है, सेव नहीं होती है, तो आपकी फाइल अपनी पुरानी वाली हालत बरकरार रखती है। तो ऐसी कभी भी कोई गलती हो जाए तो आपने विदाउट घबराए आपने सिंपल एस्केप कॉलन और क्यू और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दबा देना, तो आप विदाउट सेविंग योर चेंजेस आप उस फाइल में से क्विट कर जाएंगे और दोबारा ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन वाले जो पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो कि इसको बाद में एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, उनसे लेते हैं इजाज़त, और बाकी जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं मोड एक्टिव कर रहा हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वाला, वो अपने आप माइक को अनम्यूट करके आप किसान मेरे को क्वेश्चन हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं।